हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं मेज़रमेंट लेना बता रही थी, मेज़रमेंट किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप जितना भी लेंथ आप पहनती हैं, नी तक पहनती हैं, जहाँ तक भी पहनती हैं, आप सबसे पहले लेंथ लेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने लेंथ लेनी होती है सूट की, जितना भी कस्टमर या आप पहनना पसंद करते हैं। उसके बाद आप अपना चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे, चेस्ट यानी कि जहाँ से आप पहनना पसंद करती हैं वहाँ से लेंगी। छाती जितनी भी आ रही है सेम उसमें मेज़रमेंट लेना, और एक जो भी लूजिंग रखनी होती है हम कटिंग के समय रखते हैं, लेकिन आप पहले फिटिंग से नाप लेना जैसे कस्टमर आपको बता रहा है। ठीक है, थोड़ा कस्टमर से ही पूछना है कि उसको चेस्ट कितना चाहिए। उसके बाद आप कमर का नाप लेंगी, जितना भी कमर लेडीज़ का आ रहा है छाती से नीचे, हम वेस्ट बोलते हैं, तो सबसे पहले आपने फिर उसके बाद कमर का नाप लेंगी, जितना भी कमर आ रहा है उस अकॉर्डिंग लेंगी और एक पेपर पे या उस पर लिख लेंगी। उसके बाद तुम हिप का नाप लोगी, जितना भी हिप का नाप आ रहा है पेट से। ये थोड़ी लेडीज़ जो है हैवी है, मेरी बुआ जो है ये थोड़ी मतलब कि हैवी साइज़ है, तो आप इनका पेट का मेज़रमेंट लेना भी मत भूलना, पेट का भी लीजिएगा। ठीक है, तो पेट से लेना हिप तक कितना आ रहा है उतना आप मेज़रमेंट लेंगी। उसके बाद थोड़ा सा इंच टेप आपने नीचे की तरफ और रखना है। ठीक है, और इनका पेट का भी मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, कि कितना इनका पेट आ रहा है। हिप के बाद आप पेट का मेज़रमेंट लेंगी। उसके बाद अब आपने तीरा का निशान इनके शोल्डर का निशान लेंगी, तो शोल्डर का निशान कैसे लेना वो चीज़ देख लीजिए। आपने जहाँ से लास्ट का बोन स्टार्ट होता है उस बोन से लास्ट वाले बोन तक, थोड़ी हैवी लेडीज़ है तो उसका बोन ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो आपने खुद देखना है कि इसका शोल्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है। अगर इंच टेप नीचे गिर रहा है तो समझिए आपका शोल्डर सही नहीं आ रहा, मतलब कि शोल्डर आपका एकदम बराबर आना चाहिए, शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। तो जितना भी शोल्डर आ रहा है आप मेज़रमेंट कर लीजिए और उतना लिख लीजिए, जिसको हम बोलते हैं तीरा। उसके बाद अब अपना बैक गले का लेंथ ले लीजिए, जितना कस्टमर पहनना पसंद करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बैक नेक ले लीजिए। अब उसके बाद बैक नेक लेने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका बैक नेक कितना आ रहा है। उसके बाद अब आगे गले का निशान लगाएंगी, जितना भी फ्रंट का नेक आ रहा है आप उसके अनुसार फ्रंट का जितना भी लेडीज़ को पहनना पसंद है उतना आप ले लीजिए, कस्टमर से पूछ के या अपने रिलेटिव्स का जिसका भी सील रही है उनसे पूछ के ले लीजिए। इसके बाद अब आपने स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है, कि जितना भी आप स्लीव्स पहनना पसंद करती हैं उतना स्लीव्स का निशान ले लीजिए, और उसके बाद उसकी गोलाई का नीचे का बॉटम का भी मार्क कर लीजिएगा कि उनको बॉटम गोलाई कितनी चाहिए है। जहाँ से आप लेंथ लेती हैं वहीं से आपने बॉटम ही का मेज़रमेंट लेना है और कहीं से नहीं लेना। ठीक है, तो जितना भी इनका आ रहा है उसमें आप लूजिंग जितना रखना चाहती है कस्टमर से पूछ के, उनको टाइट पहनना है या लूजिंग रखना है उनके अनुसार ले लीजिए। अब उसके बाद मैं यहाँ से भी स्लीव्स का लेंथ आपको चाक का निशान बता रही हूँ कि चाक का निशान कैसे लेना है। जितने भी चाक आ रहे हैं लेडीज़ के आप चाक का निशान ज़रूर लीजिएगा, जितना भी चाक आ रहा है उसका निशान लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि कितना चाक लेडी का आ रहा है। उसके बाद अब मैं सलवार के बारे में बता रही हूँ कि सलवार का कैसे मेज़रमेंट लेना है, जितना भी लेडीज़ पहनती हैं। उसके बाद आप सलवार का लेंगे एकदम नीचे तक, जहाँ तक फिंगर आ रही है वहाँ तक आप सलवार का मेज़रमेंट लेगी, इंची टेप उन कस्टमर को दे दीजिएगा जहाँ पर वो पहनना पसंद करती है। ठीक है, उसके बाद आप बॉटम निशान लेंगी कि बॉटम आप पोचा कितना चाहिए। ठीक है, जितना भी उनको पोचा पहनना पसंद करती है 14, 15, 16 उसका हाफ करके मेज़रमेंट लिया जाता है उतने ही आप पोचे पर निशान लगाएंगी। ठीक है, और उसके बाद अब आपने हिप पे निशान ले, हिप का मार्क करेंगी, हिप यानी कि जितना भी वो पहनना पसंद करती हैं। ठीक है, लूजिंग रखवाना चाहती है, टाइट करना चाहती है, तो उनका आप पेट का पेट से लेते हुए निशान ज़रूर लीजिएगा जितना भी आ रहा है। तो इसी तरीके से मेज़रमेंट ली, इसी तरीके से मैंने सारे नाप आपको बता दी है, सूट और सलवार का नाप किस तरीके से लेना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैंने अपने यहाँ पे लोगो चेंज कर लिया है, पहले दूसरा लोगो था अब ये दूसरा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई